कोविड-19 महामारी के खात्मे को लेकर अब लगातार वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। मेडिकल वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले दिन अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग अलग स्थानों पर कोविड-19 वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील की कि वह इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लगाएं, जिससे कि इस महामारी को समाप्त किया जा सके। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अतिरिक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र के साथ ही जिले के राजस्व अधिकारियों ने पहले दिन यह वैक्सीन लगाई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगाकर आम जनता के साथ ही तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश दिया है कि वह इस वैक्सीन को लगाए, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा देश और दुनिया पिछले 11 महीने से इस महामारी से परेशान है, ऐसे में हम इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए सरकार वैक्सीन प्रक्रिया को तेज करे, ऐसे में सभी को यह वैक्सीन लगानी चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द इस महामारी को समाप्त किया जा सके। इसके लिए प्रशासन और सरकार तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही है। आज से अजमेर में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कोविड का शुरू हो चुका है, जिसमें आज पहले दिन रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी लगवा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने स्वयं ने यहाँ पर जिले में कोविड वैक्सीनेशन लगवाई है। मेरी सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से अपील है और साथ में जो अगले चरण में भी वैक्सीनेशन का जिनका आना है नंबर, उन सबसे अपील है कि सभी लोग आगे बढ़कर स्वयं की इच्छा से कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये बिल्कुल सेफ है, अभी मैंने खुद लगवाई है, किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई तकलीफ मुझे भी नहीं महसूस हुई और अच्छा लगेगा। हम लोग इस बीमारी से 11 महीने से लड़ रहे हैं, ये एक लड़ाई का एक और चरण है जिसमें हमें वैक्सीनेशन लगवाकर इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पाना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आज राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने अपना वैक्सीनेशन करवा के किया है और उसके बाद मुझे और रेवेन्यू विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मेरा सभी से ये अपील और आग्रह है कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और इतने दिनों तक कोरोना से लड़ने के लिए जो अथक प्रयास सभी ने किए हैं, तो अब उसके बाद जब कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है तो इस प्रोग्राम में अपना पूरा सहयोग करें। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के पश्चात अभी किसी भी तरह की कोई समस्या कहीं नहीं आ रही है, सभी मेडिकल स्टाफ है उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है और रेवेन्यू स्टाफ भी आज ही अपना वैक्सीनेशन पूरा करवा लिया।